हल्द्वानी में रेरा नियमों के विरोध में उतरे किसान संघर्ष समिति ने प्राधिकरण पर छोटे किसानों के उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता ललित जोशी सहित कई किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्राधिकरण को रेरा नियमों को वर्गीकृत करना चाहिए, जिससे कि छोटे किसानों का उत्पीड़न न हो सके। अपने जमीनों की खतौनी दिखाते हुए किसान संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि किसानों के बीच जब आर्थिक संकट पैदा होता है तब वह मजबूरी में अपनी जमीन बेचता है। ऐसे में जब छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो वे मुसीबत के समय क्या करेंगे। लिहाजा किसान संघर्ष समिति कल यानी कि 19 अगस्त को यानी कि आज विशाल ट्रैक्टर रैली निकालेगी। वहीं राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि वह शहर के समग्र विकास के लिए रेरा का स्वागत करते हैं, लेकिन रेरा एक्ट के वर्गीकरण में ये बदलाव किया जाना चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फिलहाल जो रेरा इन्हें नियम निकाला, देखो अभी सरकार ने कुछ टाइम पहले ग्रामीण एरिया को प्राधिकरण में लिया जिसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। अब एक नया नियम निकाला जिसमें खुद किसान की 40 फीट की चौड़ाई है और ये बात करते हैं 30 फीट की रोड की, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम रेरा का नियम लागू हुआ है, जब से नियम लागू हुआ था अगर उस नियम के हिसाब से सिस्टम से अगर चलते रहते तो उस टाइम ये नियम लागू हो जाना चाहिए था। किसान को पता रहता कि मैं कौन सा एफिडेविट दे रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में ये नियम लागू करके और किसान बहुत रस्तियां कर चुके हैं, काउंटिंग में एक रस्तियां आगे कर चुके हैं और रस्तियां कर चुके हैं तो उसमें जांच चल रही है। जांच चल रही तो दिक्कत का विषय किसान पर आ रहा है। नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी डीलरों द्वारा भरमित नहीं किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि जो रेरा लगाया जा रहा है, रेरा के हम कोई विरोध में नहीं, अच्छी लोग अच्छी कॉलोनियां काटेंगे तो हमें खुशियां होंगी। हमारा प्रशासन से ये कहना है जो छोटी जोत के काश्तकार हैं, 1000 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी काश्तकार की होती है, उसकी चौड़ाई होती है 25-25 फीट की। देखिए, हम सीधी सीधी बात है, रेरा के बिल्कुल खिलाफ नहीं, लेकिन रेरा के कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें छोटी जोत के किसानों को किसी चीज में आपने रोक दिया कि तब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे मौलिक भू अधिकारों के खिलाफ है। इस देश की जो आत्मा है, इस देश की जो संविधान है, उसके खिलाफ है। आप रेरा लागू करिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप रेरा का नाम लेकर करके ऐसे गलत प्रावधान बना दें, ऐसे प्रावधान बना दें जिनका यथार्थ की धरातल से कोई मतलब नहीं है।